हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 22 जुलाई, दिन है आज वेडनेसडे और सुबह के बज रहे हैं 9:15। मैंने कहा चलो आज आप लोगों से आज ही की बात करते हैं। वीडियो मेरी बनी हुई है, पब्लिश करना रह गया है बस, बट मैंने कहा नहीं, आज ही के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी मेरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आज मेरे 50,000 पूरे हो चुके हैं, 50,000 की फैमिली पूरी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, लेकिन वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए अंदर से। कुछ अच्छा हुआ है मेरी लाइफ में, लेकिन कुछ बहुत बुरा भी हुआ है मेरी लाइफ में, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती लाइफ में, कभी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझको एक बड़ा सा मुकाम दिया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा मुकाम है, 50,000 की फैमिली होना, 50,000 की फैमिली, 50,000 लोगों का साथ, सपोर्ट, सब आपकी वजह से। आप हो तो ये 50,000 हैं, अगर आप नहीं हो तो ये नहीं है। सपोर्ट करते हो आप लोग, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उनको भी आप जवाब देते हो मेरे लिए, मेरी तरफ से। और 5 नेगेटिव कमेंट्स 50,000 के सामने कुछ भी नहीं है। तो उन 5 लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप बोलो, आप लोग मेरे ब्लॉग में एक नज़र के टीके की तरह हो, काला टीका, जो क्या कहते हैं उसको, नज़र से बचाता है। कहते हैं ना, एक हम गाड़ी खरीदते हैं, उस पर लगा देते हैं एक भूत की शक्ल, या फिर ट्रक पे जूता लटका देते हैं, तो वो आप 5-6 लोग जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं या डिसलाइक करते हैं, तो वो वही है। जितने ज़्यादा डिसलाइक उतनी ज़्यादा नज़र से बचाव होता है मेरा। तो आप लोग वही हो। और बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सिंपैथी 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 लेती हूँ, तो मैं सिंपैथी कैसे लेती हूँ? मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे अंदर इमोशन बहुत सारे हैं, और आई नो कि जिसके पापा हैं, जिसकी मम्मी हैं, जिसके भाई हैं, जिसकी बहन है, उनके अंदर उनके लिए भी बहुत सारे इमोशन होंगे। किसी को चोट भी लग जाती है तो बहुत दर्द होता है, और कोई बिल्कुल ही चला जाए ज़िंदगी से तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मेरे हस्बैंड चले गए मेरी लाइफ से, बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे, मैं नहीं रो पाती थी ज़्यादा उनके लिए, बिकॉज क्या कहते हैं, मुझे शर्म आती थी। एक जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसके लिए रोना, मम्मी पापा भी देखते हैं, थोड़ा सा लिहाज आप कह सकते हो, तो मैं नहीं रोती थी। लेकिन पापा की बारे में मैं कंट्रोल नहीं कर पाई अपने ऊपर। लोग कहते हैं कि एक चीज़ को पकड़ के मत बैठो, लेकिन मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि एक चीज़ को नहीं छोड़ा जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जी रही हूँ तो उन्हीं की वजह से जी रही हूँ। और जब कोई इंसान चला जाता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ को काटना। लाइफ फिर खुल के जीना नहीं कहते उसको, लाइफ को काटना कहते हैं। अगर हम यादों के सारे लाइफ को काट रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? आई डोंट नो। सिंपैथी मैं ऐसे नहीं ले लेती, जिसके पास है वो मुझे दे देता है, जिसके पास नहीं है वो गालियां दे देता है, वो गंदा गंदा बोल देता है। जिसके पास सिंपैथी, वो सिंपैथी मुझको दे देता है, ठीक है ना। और जो भी मेरे जैसी लेडीज़ हैं या फिर जिनकी प्रॉब्लम मेरे से कम है, आर्थिक स्थिति भी ख़राब है, तो मेरी सिंपैथी उनके साथ है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ है, क्योंकि मेरे पास है सिंपैथी, मैं दे सकती हूँ। आप लोगों के पास गाली है आप वो दीजिए, और जिसके पास सिंपैथी है आप वो दीजिए, ठीक है। और मैं किसी का कुछ नहीं कहूँगी कि कौन किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, बट मैं अपनी लाइफ में इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहती कि मैं उस इंसान को भूल जाऊं जो मुझ पे मरता था,
ठीक है, मैं उसको बिल्कुल नहीं भूल सकती। वो इंसान मुझ पे मरता था, और जो हम पे मरता है ना उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए, हमेशा जिंदा रखना चाहिए उसको हमेशा। उसके भी कुछ सपने थे, उनको तो पता भी नहीं कि ऐसा मेरे संग हो जाएगा। सपने थे ना उनके, बेटी हुई है हमारी, उसको लेकर हमने बहुत सारे सपने देखे थे, तो वो पूरा करना मेरा काम है और वो मैं करती भी हूँ। घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, और बच्चे के लिए अच्छी चीजें ढूंढ ढूंढ के लाना, खाना बनाना, सब कुछ काम में करती हूँ। मैं कोई डिप्रेशन में नहीं हूँ, और डिप्रेशन में क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ अपनी बातें खुलकर, अपने हस्बैंड की बातें शेयर करती हूँ बहुत अच्छे से, घुट घुट के नहीं जीती हूँ, इसलिए मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। जो लोग घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर, उनके ही सुनने वाला कोई नहीं होता ना, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लोग आज कल बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि डिप्रेशन से बाहर निकलिए, अपनी बातें कहिए कहिए कहिए, ऐसे कदम मत उठाइए, लेकिन जो बात करता है अपने अंदर की, उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कभी मत करो, जो कर रहा है उसको करने दो। आपको नहीं पसंद, आप मत देखो, आप जाओ, अनसब्सक्राइब का बटन है, आप उसको करो, और अनसब्सक्राइब नहीं भी कर रखा तो जाओ, छोड़ दो उसको हालात पे। क्या पता किसी का रोना से, किसी के बात करने से उसका अंदर से धीरे धीरे खत्म होता जाए। सॉरी, मैं इसको साइलेंट ही कर देती हूँ, बोलने दो। मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या खुशी मिलती है अपने हस्बैंड के बारे में बात करने से, आप लोग नहीं समझ सकते, और जो समझते हैं वो समझते हैं। रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उन लोगों की, जो लोग समझते हैं, मुझको अप्रिशिएट करते हैं और मुझे कहते हैं कि दीदी भैया के बारे में बात किया करो। सेम चीज अब क्या है, मेरे पापा नहीं है, ठीक है ना, और पापा क्या होते हैं ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। पापा के साथ आप लोग कह सकते हो मैंने अपनी लाइफ के 30 साल बिताए हैं, और 30 साल कम नहीं होते हैं, 30 साल कम नहीं होते हैं। मेरी शादी भी हुई ना, तो कोई सा दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने अपने पापा को नहीं देखा हो। मैंने डेली अपने पापा को देखा है, मेरा घर इतनी दूर नहीं था, और मेरे हस्बैंड थे, मैं तब भी अपने पापा से क्या, मैं अपने घर रोज जाती थी, डेली जाती थी। और जिस दिन नहीं जाती थी ना, मेरे हस्बैंड कहते थे आज घर नहीं जाना क्या। मेरे सिर पे हमेशा मेरे मम्मी पापा का हाथ था। शायद भगवान को भी पता था कि शायद मेरे संग ऐसा हो जाएगा, मैं अकेली हो जाऊंगी, इसलिए मुझे मेरे घर के बिल्कुल पास में, मतलब भगवान ने चाहा कि मेरी शादी हो। बादल की आवाज आ रही है, तो मैं पास रही हूँ अपने घर वालों के, और शायद मेरी किस्मत यही थी, और मुझे सबने सपोर्ट किया भी। मैं स्ट्रांग थी, हूँ, आप लोग कहते हो ना दीदी आप बहुत स्ट्रांग हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि मेरे कंधों पर हाथ था मेरे मम्मी पापा का, भाई बहन, बड़ी मम्मी बड़े पापा, अब भी है सबका, बस पापा नहीं है। एक लगता है ना दो, बिल्कुल एक दो इंसान इतने खास मेरी लाइफ के, एक इंसान पापा जिनकी वजह से मैं दुनिया में आई, दूसरा इंसान मेरे हस्बैंड जिसके लिए मैं दुनिया में आई। वो दोनों ही नहीं है, वो दोनों ही नहीं रहे, और दोनों ही बहुत खास। दोनों को मैंने इतना करीब से देखा, मैंने कभी किसी को अंतिम टाइम में नहीं देखा, दूर दूर से देखा है, अपने मामा को, नानी को, नानू को, अपनी मदर इन लोगों को भी दूर से देखा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, मुझे पास में किसी ने नहीं आने दिया। इतने करीब से मैंने देखा, और इतने करीबी इंसान को देखा। किसी के साथ नहीं होना चाहिए, भगवान को एक लाइफ डिसाइड करना चाहिए ताकि इंसान प्रिपेयर रहे। पागल हूँ मैं, पता नहीं कैसी बातें करती हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल जाती हूँ, बट मुझे आप लोगों के संग शेयर करना था कि किसी को मत रोको टोको, सिर्फ मैं ही नहीं, अगर आपको नहीं पसंद मुझे देखना
अब मत देखो, लेकिन मुझे मत टोको रोको मेरे इमोशन को शेयर करने से। मैंने कभी शेयर नहीं करे। अपने हस्बैंड के बारे में मैं बात करती थी, लेकिन मैं नहीं रो पाती थी। इस टाइम मुझे लगता है कि मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत अब भी रोना चाहती हूँ। मैं मौका मिलते ही मैं रोना चाहती हूँ, अकेले में रोना चाहती हूँ, घर वालों के सामने नहीं रोना चाहती हूँ मैं। घर वाले रो पड़ते हैं, रो पड़ते हैं घर वाले, और सभी रोते हैं छुप छुप के घर में। मुझे पता है सब रोते हैं घर में छुप छुप के। मेरी मम्मी भी खुश थी, पापा भी खुश थे, सभी लोग खुश थे, मेरे रिश्तेदार भी खुश थे। पता नहीं फिर किसकी नजर लग गई, खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। मेरे हस्बैंड को गए हुए सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल में पापा भी चले गए। बहुत सारे लोग अंदाजे लगा रहे हैं 3 साल, 2 साल, 1.5 साल हुए हैं मेरे हस्बैंड को गए हुए। आज 50,000 हुए हैं। थोड़ा सा मैंने अपना दिल हल्का किया है। इंसान हूँ मैं, मुझे भी बहुत मन करता है मैं किसी से बात करूँ, मैं भी रोऊं, मैं नहीं रो पाती। कोई नहीं है मेरे घर में, आप लोगों से बात करके मन हल्का कर लेती हूँ। अपने सब्सक्राइबरों के साथ जो मुझसे प्यार करते हैं, उनके सामने मजाक मत बनाया करो किसी का, बहुत दुख होता है। 50,000 होने पे मैं अपने पापा को एक पोयम डेडिकेट करना चाहती हूँ, जो कि मेरे बड़े भाई ने लिखी है, सन्नी भाई ने, जिनकी शादी हुई थी। वो मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे ये भेजी थी, खुद लिखी है उन्होंने, और एक एक बात अच्छी है इसकी। मैं ठीक हूँ बाबू, मैं ठीक हूँ। एक एक बात अच्छी है, मेरे पापा से रिलेट करती है, जुड़ी हुई है पूरी तरीके से। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, पापा मेरे जहाँ गई भी हैं उनके लिए ही है। एक एक शब्द जो है उनके लिए ही लिखा गया है। मुझे रोना आए तो माफ कर देना, और वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी इसके बाद, ठीक है। बहुत सहा, दर्द अब खत्म हो गया, दुखता था शरीर अब भस्म हो गया। छोड़ गए हमें तस्वीरों के सहारे, सजा ही तो है कि हम तस्वीर निहारे। कैसे भूल जाए वो चमकता चेहरा, ना जाने अब किस दुनिया में है ठहरा। बच्चों को कितना प्यार देते थे, तभी तो सब इनके आसपास रहते थे। माथे पर एक अलग शान रहती थी, होठों पर एक हल्की मुस्कान रहती थी। क्यों जल्दी की इतनी जल्दी जाने की, अभी तो खुशी ने दस्तक दी थी आने की। थोड़ा और रुक जाते तो अच्छा हो जाता, वादा साथ निभाने का सच्चा हो जाता। बगीचे फूल पत्ते जूझते से लगते हैं, आपका हाल चाल पूछते से लगते हैं। घर का हर सामान करीने से सजाया था, न जाने कितने दिन कितने महीनों में बनाया था। घर का कोना कोना आप सूना सा लगता है, आपको खोने का दर्द हर पल दूना सा लगता है। हर जगह अब आपको ढूंढते रहेंगे, आंखें बंद करके गले रूंधते रहेंगे। हमारा प्यार आपके लिए हमेशा रहेगा, दिल ही जानता है ये दर्द कैसे सहेगा। आप जहाँ भी रहो ढेरों खुशियाँ पाओगे, वादा करो अगली बार भी हमारे लिए ही आ पाओगे। बाय बाय।